नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट विहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, एक पेड़ माँ के नाम का आज कार्यक्रम शुरू किया गया है पटना जू में, और एक सेवा पखवाड़ा भी शुरू किया गया है, और इसके तहत लोगों को मुफ्त में पेड़ दिया जाएगा उन्हें पेड़ लगाने के लिए। अब देखिए कि यहाँ पे डॉक्टर प्रेम कुमार, जो इस विभाग के पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने इसका शुभारम्भ किया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो यहाँ पर बच्चे हैं उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इनके पास रजिस्टर है, क्या कुछ इसमें है। सर, एक पेड़ माँ के नाम के अभियान के अंतर्गत हम विजिटर्स को पौधा देने वाले हैं, जहाँ पे उन्हें अपना नाम, अपना पता और अपनी माता जी का नाम और मोबाइल नंबर बताना है, जिसके बाद उन्हें व्हाट्सएप से हम ग्रुप में जुड़ेंगे, ग्रुप में जोड़ा जाएगा और उन्हें एक बैंड देंगे और एक पौधा देंगे। पौधा लगाने के बाद उन्हें हमें फ़ोटो भेजना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उन्हें अपने माँ के नाम पौधा लगा दिया। टाइमिंग क्या है, कब से? सर जी, सुबह में मॉर्निंग टाइम में 6 से 9 बजे तक सारे विजिटर्स को मॉर्निंग वॉक करने जो आते हैं उन्हें मिलेगा जी। देखिए, इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है एक पेड़ माँ के नाम, और इस कार्यक्रम के तहत हर एक जो विजिटर होंगे, जो मॉर्निंग वॉक करने आएंगे, उन्हें पेड़ दिया जाएगा मुफ्त में, और उन्हें एक पेड़ लगानी है माँ के नाम पे, और उसका फ़ोटो लेकर इनके व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करनी है। और इसके तहत देखिए कि प्रेम कुमार के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है पटना जू में। यहाँ पे तमाम तरह की जो पेड़ है उसको भी देख रेख किया जा रहा है, और पेड़ पर्यावरण को खास करके ध्यान में रखे पेड़ लगाया जा रहा है, और ये बिहार सरकार का प्रयास है कि कैसे ग्रीनरी ज़्यादा बढ़े और पर्यावरण में सुधार आए, क्योंकि लगातार वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार इसको लेकर पहल कर रहे हैं, और अभी पटना जू में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पेड़ माँ के नाम अभियान जो चल रहा है, उस अभियान के तहत पौधे लगाए गए थे, उसकी आज निगरानी भी की गई, जल भी देने का काम किया गया, और साथ साथ स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। आज जू के सभी लोग, जू से जुड़े जो लोग थे, सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भाग लेकर के जू की सफाई भी हम लोगों ने आज किया है, और भारत पेट्रोलियम के द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए उनका भी आज बहुत बड़ा योगदान रहा करके है। और आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, संकल्प है, कि दुनिया आज बड़े संकट के दौर से गुजर रही है, दुनिया में जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का कम होना, समय पर न होना, उस आम जनता बेहाल है, उसी हमारे प्रभावित है। मानसून आ गया है, मानसून आने के बाद हम लोगों ने बिहार में जो लक्ष्य हमारा है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग का, 4,28,00,000 पौधे लगाने, जंगलों के अंदर, जंगल के बाहर जो नेशनल हाईवे हैं, सड़कें हैं, स्टेट हाईवे हैं, उन जगहों पर भी शहरों का आच्छादित करने का प्लान हमारा है, और दक्षिण बिहार के पहाड़ों पर जो नंगे पहाड़ हैं, उन पहाड़ों को भी हरित आवरण के तहत बड़े पैमाने पौधे लगाए जा रहे हैं सीड बॉल के माध्यम से, और जो वर्षा के पानी को संचय करने के लिए हम लोगों ने गार्लैंड ट्रेंच की योजना भी लाई है। 15 जुलाई को संध्या 5 बजे हम लोग गया ब्रह्मजोनी पहाड़, ब्रह्म वन पार्क है, वहीं से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, और औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और साथ साथ रोहतास के पहाड़ों को हरा भरा करने का अभियान है विभाग का, हम सब मिलकर साकार करने का काम करेंगे। ऐसे पूरे बिहार में जगह जगह पे इस कार्यक्रम के तहत पेड़ लगाया जा रहा है, और वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम भी तमाम जो पार्क है या जगह है वहाँ पे भी चलाया जा रहा है, और पेड़ों को लेकर खास करके ध्यान में रखा जा रहा है कि कैसे ग्रीनरी बढ़े और बिहार में कैसे मानसून है वो सही समय पे आए, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि जो अभी मानसून है इसको लेकर खास करके वन एवं पर्यावरण विभाग इस पर ध्यान दे रही है, और इसके तहत अब पटना में भी शुरुआत किया गया है और पूरे बिहार में एक कार्यक्रम चलेगा। प्रेम कुमार ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया, जिससे गाड़ी शहर के तमाम जगह जाएगी और लोगों को मुफ्त में पेड़ देगी। बहरहाल इसको इतना ही, इसे तमाम ग्रुप के पास बने रहा, फर्स्ट विहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।